Meer, Meer, Meer. Now you have spoken enough. You have spoken enough. That is the problem. Have the courage. Have the courage to now listen and face the fact. मैं आपको धीरे वाली हिंदी में समझा रहा हूँ. अगर इंडिया आपका वेल विशर नहीं होता तो 71 आपको नहीं मिलता. इंडिया कुड हैव ऑक्यूपाइड यू बट वी हैड नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग इट. नंबर वन, आपके यहाँ जितनी एट्रोसिटीज है, कम ऑन नाउ, कीप क्वाइट, लर्न. यू आर ऑन अ इंटरनेशनल चैनल. Learn to be quiet and learn to listen to others. We three have listened to you, but you are not prepared to. Now I will not let you speak. I will not let you speak. आप एक बात बताइए, अगर हमने फ्लड आपके यहाँ भेजा है तो वो मेरे टेरिटरी में 100 किलोमीटर चलकर आया है. मेरे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, आप ही के यहाँ नुकसान हुआ. आप जो बात हमारे राजदूत की कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि वी हैड नो इंटेंशन. We had no, आप उसे मिसकोट कर रहे हैं. आप वहां के लोगों की पब्लिक परसेप्शन बता रहे हैं. अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं. आनंद बाजार लिखा है, परसेप्शन सही होना चाहिए. 2 जुलाई का लेटर, जो 2 जुलाई की आपकी न्यूज है, वो प्रोड्यूस कहां से हुई? वो प्रोड्यूस हुई थी क्योंकि इंडिया ने आपके साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम के हिसाब से आपके साथ शेयर किया था, इसलिए आपके यहां वो मीटिंग हुई थी. शेख हसीना इज नॉट द सेंटर पॉइंट. योर प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड अ मीटिंग जहां उसने अपने पूरे देश को एक बाढ़ से सचेत किया कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सही है या गलत. कृपया कर सच का सामना करिए, सच को देखिए. आपने बहुत बड़ी गलत बात कर दी अपने कंट्री के बारे में कि 14 साल में आपने टेररिज्म कंट्रोल किया है. इसका मतलब उससे पहले आप सपोर्ट कर रहे थे, ये आप एक्नॉलेज करेंगे? मैं आपके नाम से ले लूं कि इससे पहले 40 साल आपने टेररिज्म सपोर्ट किया है? हम आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करते. और मैं सारे अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो वहां हाई कमिश्नर थे, जब वो मिले मोहम्मद यूनुस साहब से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा को लेकर के अब गंभीर चिंता है. क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ इसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है. कभी आप कहते हैं कि भाई आपने बाढ़ यहां पे ला दी, कभी आप कहते हैं कि शेख हसीना को आप शह दे रहे थे. ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीर साहब, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस? That a diplomat is not safe in your country. आपके देश में एक फ्रेंडली नेशन का राजदूत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. हाँ हाँ, वेरी गुड. वी वेलकम दिस बट वी शुड लाइक द इंडियन. इंडिया ओपन द डैम एंड बांग्लादेश इज ड्राउनिंग. दिस इज द हेडलाइन ऑफ द आनंद बाजार पत्रिका ऑफ कोलकाता. सो दे पीपल लाइक यू हु आर स्प्रेडिंग रूमर्स, लॉट ऑफ एलिगेशंस, सपोर्टिंग रूमर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड द पॉइंट इज दैट इंडिया एंड बांग्लादेश वी आर वेरी गुड नेबर्स, गुड फ्रेंड्स. वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर द लास्ट. सर, वी आर गुड फ्रेंड, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड, बट वी आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव बैड रिपोर्टर्स लाइक यू देयर. पर हम ऐसे दोस्ती नहीं चल सकती जब कोई आपके दोस्ती का हाथ बढ़ाए और आप उसको पलट के थप्पड़ मार दे. ये कैसी दोस्ती है हर्षवर्धन जी? उसको थप्पड़ क्यों मारा? कहिए कि वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं. और दूसरी तरफ उन्होंने मारा कि आपने मेरे पेट पर चुरा डाला. उन्होंने थप्पड़ मारा और क्या? आप थप्पड़ मार रहे हैं? आप एक लाइव शो के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं ये बोलकर, स्कोट करके कि हमारे राजदूत ने आपके यहां क्या कहा? उसने सिर्फ ये कहा कि हमारा कोई इंटेंशन उस बांध को खोलने का नहीं था. बाय द वे, पढ़िए किताब, पढ़िए इंटरनेशनल लॉ. कोई भी डैम जब बनाया जाता है, अगर वो डेंजरस हो जाता है तो उसके गेट खोलने ही होते हैं. ये मेरा कानून नहीं है, आपका कानून नहीं है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का कानून है. ओके, और अगर दोस्ती की बात करें हर्षवर्धन जी, कौन सी दोस्ती को अब इस वक्त बढ़ावा दिया जाए? ये ट्वीट से समझ में आ जाएगा. एक सेकेंड. पाकिस्तान, जो कि ऐसे मुश्किल हालात में मदद के लिए कुछ नहीं करेगा बांग्लादेश की, उनको एक पैसा नहीं देगा, एक अपनी NDRF या किसी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की कोई टुकड़ी नहीं भेजेगा, फौरन से शहबाज शरीफ ने फटाफट से ट्वीट कर दिया. उन्होंने ट्वीट करके कहा, पाकिस्तान स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश. उन्होंने कहा, डीपली पटर्ब एट द लॉस ऑफ लाइफ एंड डेवेस्टेशन कॉज बाय फ्लड्स इन बांग्लादेश, आई एक्सटेंड माय सिंपथी, पाकिस्तान स्टैंड्स विद बांग्लादेश. फौरन से एक बांग्लादेशी जो कि महिला है वहां पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने कहा,
पाकिस्तान स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश, थैंक यू पाकिस्तान. क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? असली दोस्ती यही होती है. ये है हमारा असली दोस्त पाकिस्तान. देखो उन्होंने ट्वीट कर दिया. हर्षवर्धन जी, if any individual tweets something, that is the individual, आप कंडेम कर दो. इंडिविजुअल ही नहीं है ना, आप कंडेम कर दो. आपके जो सूचना प्रसारण मंत्री के एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल पत्रकार, आप कंडेम कर दीजिए. When Hindus were under attack after the change of this government, entire India was crying or shouting. Yes. Now there are several thousands, or I mean, nearly 5 or 6 lakh Hindus in the flood-prone area. What you are telling about this? Why don't you come and help those Hindus? Sir, हम सिर्फ हिंदुओं की मदद नहीं करते. Why are you talking about this? मुसलमानों की, किसी भी धर्म के लोग होंगे, हम अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे. पर आप किसी एक कम्युनिटी, देश के खिलाफ नैरेटिव मत कीजिए. हर्षवर्धन जी, असली दोस्त. देखिए, मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट इज योर बायस्ड मीर साहब. तो दिस फ्लड इज आल्सो कॉजिंग हार्म फॉर द हिंदू हियर. इनके साथ सिंपैथी रखनी चाहिए. अब इनकी जो भाषा है, देखिए ये हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, और भारत और बांग्लादेश दोस्त है. लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, जिन्होंने अभी तख्ता पलट किया है, उनसे सबको थ्रेट है. हो सकता है मीर साहब को, मीर रहमान को भी थ्रेट हो, इसलिए उनको भारत में जब बात कर रहे हैं वो, तो कहीं इसकी क्लिपिंग काट के वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट है वो इनके खिलाफ ना इस्तेमाल कर लें. मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. और पाकिस्तान के साथ जो वहां के किसी भी सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आईएसआई और जो छात्र शिविर, जो इस्लामिक छात्र शिविर है, उसने जो कुछ किया है, वहां एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया है जो 1971 के जो बंग मुक्ति, बांग्ला मुक्ति का जो आंदोलन चला था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है. और मैं तो कहूंगा कि मीर साहब जैसे जो लोग हैं, इनको जरा सोचना चाहिए कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा, ये जरा सोचना चाहिए. भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे रहेंगे. और जहां आतंकवाद के ऊपर क्रैकडाउन की बात आती है, तो आपको याद दिला दें कि अगस्त 17, 2005 में एक आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने पूरे बांग्लादेश में उन्होंने एक्सप्लोजन करवाए थे, उन्होंने बम धमाके कराए थे, और उसमें बांग्लादेशी लोगों की ही जान गई थी. तो अगर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है, तो वो उनके ही हित में है, बांग्लादेश के ही हित में है. उम्मीद ये है कि इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ, वो खत्म होगा. चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीर साहब.